शहरा ग्राउंड में सांसद अवनीश सिंह बिट्टू के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते लोकसभा चुनाव से पहले देश के लिए कई वादे किए थे जो पूरे नहीं हुए। उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी के कुप्रभावों का भी जिक्र किया। उन्होंने नया स्कीम का जिक्र करते हुए कहा कि लुधियाना की लघु और मध्यम इंडस्ट्री दुनिया भर में प्रसिद्ध है और यह उन्होंने वादा करते हुए कहा कि उद्योगों को दोबारा पटरी पर लाया जाएगा। भारत भूषण आशू जी, हरीश चौधरी जी, अश्विनी शर्मा जी, करणजीत सोनी जी, हमारे कैंडिडेट रवनीत बिट्टू जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सारे नेता, भाइयों और बहनों, प्यारे कार्यकर्ताओं, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप? मूड ठीक है? मैं टेस्ट करूं, मूड टेस्ट करूं, पता लगाऊं? चौकीदार, 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 मूड अच्छा है? तरीका है मूड चेक करने का आजकल। देखिए, पहले नारा हुआ करता था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जाएंगे, किसानों को सही दाम मिलेगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। लुधियाना स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री का सेंटर है, हिंदुस्तान का सेंटर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नोटबंदी से आपके अच्छे दिन आ गए? मजा आया? फायदा हुआ? यहां कोई कह सकता है कि हां नोटबंदी से मुझे फायदा हुआ? गब्बर सिंह टैक्स अच्छा लगा? फायदा हुआ? 5 अलग अलग टैक्स, 28% टैक्स, हर महीने लुधियाना के बिजनेस वाले हर महीने 10-15 फॉर्म भरो, इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं, आपका बिजनेस, लुधियाना का बिजनेस नरेंद्र मोदी ने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। आप किसी भी दुकानदार से पूछ लो, किसी भी छोटे मिडिल साइज बिजनेस वाले से पूछो, हिंदुस्तान में, लुधियाना छोड़ो, कहीं भी किसी भी प्रदेश में चले जाओ, कहो नोटबंदी के बारे में क्या सोचते हो, कहते हैं नोटबंदी पागलपन था, फाइनेंशियल पागलपन, इससे कम नहीं था। पता नहीं प्रधानमंत्री के दिमाग में क्या घुस गया, 8 बजे रात को पता नहीं क्या खाना खा लिया, क्या हुआ, मगर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को प्रधानमंत्री ने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। हम आजकल न्याय योजना की बात कर रहे हैं और शहर में आपको यह नहीं लगना चाहिए कि न्याय योजना सिर्फ गरीबों के लिए है। मैं लुधियाना के बिजनेस वालों से कहना चाहता हूं, छोटे बिजनेस वालों से, मिडिल साइज बिजनेस वालों से, यहां के युवाओं से कहना चाहता हूं, न्याय योजना सबसे ज्यादा फायदा लुधियाना और हिंदुस्तान के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को, दुकानदारों को और युवाओं को देगी। गरीबों को फायदा होगा, गरीबों को फायदा होगा, मगर सबसे बड़ा फायदा, गरीबों से भी ज्यादा फायदा लुधियाना को होगा। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। 5 महीने पहले मैंने कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक को बुलाया, जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उनको बुलाया और उनसे कहा, देखिए नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 सालों में 5,55,000 करोड़ रुपया, इसको फिर से सुनिए, 5,55,000 करोड़ रुपया 15 लोगों का कर्जा माफ किया है। लुधियाना के छोटे बिजनेस वालों, दुकानदारों, मिडिल साइज बिजनेस वालों, इन 5,55,000 करोड़ में
आपका कितना कर्जा माफ हुआ? एक छोटे बिजनेस वाले का, एक मिडिल साइज बिजनेस वाले का कर्जा नरेंद्र मोदी ने माफ नहीं किया। नोटबंदी क्या थी? गब्बर सिंह टैक्स क्या था? भाइयों और बहनों, लुधियाना के दुकानदारों, आपको रास्ते से हटाने का काम था। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी लुधियाना के छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले, ऑटो इंडस्ट्री वाले, वो सब मर जाएं, खत्म हो जाएं और हिंदुस्तान के 15-20 सबसे बड़े उद्योगपतियों को आपका पूरा का पूरा काम मिल जाए। नोटबंदी का ये लक्ष्य था, गब्बर सिंह टैक्स का ये लक्ष्य था। मैं फिर से साफ कह देता हूं, अब मैंने टीम बुलाई, मैंने उनसे कहा देखिए 5 साल नरेंद्र मोदी ने अन्याय किया, सिर्फ गरीबों से नहीं, छोटे बिजनेस वालों से, मिडिल साइज बिजनेस वालों से, लुधियाना के लोगों से, बेंगलोर के लोगों से, पुणे के लोगों से। मैंने कहा उन्होंने पैसा दिया, 5,55,000 रुपए कर्जा माफ किया, अब हम वही पैसा हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देना चाहते हैं। मगर मैं आज आपको समझाना चाहता हूं कि यह पैसा सिर्फ गरीब लोगों को नहीं जाएगा। मैं लुधियाना के लोगों को कहना चाहता हूं कि यह जो पैसा है, ये आपके जो बिजनेसेस बंद पड़े हैं उसको जंप स्टार्ट करने का तरीका है। और आप सुनिए, नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, पैसा आपके जेब से निकाला, लाखों करोड़ों लोगों के जेब से निकाला, माताओं बहनों के घर से निकाला। जैसे ही उन्होंने पैसा निकाला, अनिल अंबानी के जेब में डाला, आपने माल खरीदना बंद किया। जैसे ही आपने माल खरीदना बंद किया, दुकानों में माल बिकना बंद हुआ, डिमांड गिरा। जैसे ही डिमांड गिरा, लुधियाना की जो फैक्ट्रियां थी, छोटी मिडिल साइज वाली फैक्ट्रियां थी, उनके मालिकों ने कहा मार्केट कलैप्स हो गई है, दुकानों में कुछ बिक नहीं रहा है, अब फैक्ट्री चलाने का कोई फायदा नहीं, और एक के बाद एक सब फैक्ट्रियां बंद होने लगी। अब न्याय योजना का पैसा आएगा, 5 करोड़ परिवारों को 25 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट 6,000 रुपए महीने का, 72,000 रुपए साल का, 3,60,000 रुपए 5 साल का किसको मिलेगा? जिसकी भी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम की है उसको मिलेगा। लुधियाना में जो भी गरीब लोग हैं, आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। जैसे ही जाएगा, आप लोग माल खरीदना शुरू करोगे। जैसे ही आप माल खरीदना शुरू करोगे, शर्ट, पैंट, जूता, साड़ी, साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, कपड़े, गाड़ियां, जो भी, जैसे ही आप खरीदना शुरू करोगे, वैसे ही आपकी दुकानें चालू हो जाएंगी। जैसे ही दुकानें चालू हो जाएंगी, डिमांड पैदा होगा। जैसे ही डिमांड पैदा होगा, लुधियाना की सब छोटी मिडिल साइज फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। मैं सीधी लॉजिक आपको समझा रहा हूं, जो लॉजिक देश के प्रधानमंत्री नहीं समझ पाए। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ नोटबंदी करके गरीब लोगों का नुकसान नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की जो शक्ति है, स्ट्रेंथ है, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी, उस पर आक्रमण किया, लुधियाना के लोगों पर आक्रमण किया और हिंदुस्तान को चोट पहुंचाई। मैंने आपसे कहा कि मैंने कांग्रेस के इकोनॉमिस्ट को बुलाया, मैंने उनको बुलाया, उनसे कहा देखिए मैं एक बात समझना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने 5,55,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, हम कितना कर सकते हैं? आप जाइए पता लगाइए, वापस आना, मुझे नंबर देना। वापस आते हैं 5 महीने बाद, स्टडी करके आते हैं, कहते राहुल जी ये लीजिए नंबर, कांग्रेस पार्टी का काम समझिए, राहुल जी ये लीजिए नंबर। मैंने कहा ये क्या है, 72,000 रुपए
भाई और बहनों आपको समझना है, आपसे चौकीदार ने कितनी चोरी की है इसको आपको समझना पड़ेगा। ये आपका पैसा है, 5 करोड़ परिवारों को हर साल 72,000 रुपए, 5 साल के अंदर 3,60,000 रुपए, 5 करोड़ लोगों को, 25 करोड़ लोगों को, 5 करोड़ परिवारों को हिंदुस्तान की सरकार दे सकती है। ये पैसा नरेंद्र मोदी ने आपसे छीनकर अनिल अंबानी जैसे चोरों को पिछले 5 साल में दिया है। इसीलिए नया नारा चला है, पहले अच्छे दिन आएंगे, आज चौकीदार चौकीदार चौकीदार। अब बिट्टू जी ने मुझे कहा कि आपको लुधियाना की मदद करनी होगी। सबसे पहले देखिए हमारा मैनिफेस्टो पढ़िए, हमारे मैनिफेस्टो में साफ लिखा है कि हिंदुस्तान के सामने 2 बड़े चैलेंज हैं। सबसे बड़ा चैलेंज रोजगार, 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट की, इसीलिए बेरोजगारी सबसे बड़ा चैलेंज। दूसरा चैलेंज किसानों की समस्या, मगर लुधियाना आया हूं तो पहले मैं स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के बारे में बोलना चाहता हूं। देखिए यह रोजगार कौन पैदा करेगा, यह रोजगार अनिल अंबानी पैदा नहीं करेगा, यह रोजगार नीरव मोदी पैदा नहीं करेगा, यह रोजगार विजय माल्या पैदा नहीं करेगा। नीरव मोदी को 35,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के बैंक का पैसा दिया गया, अनिल अंबानी को नरेंद्र मोदी ने 30,000 करोड़ रुपए शहीदों का पैसा, एयरफोर्स का पैसा, 45,000 करोड़ रुपए बैंक का पैसा दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने लुधियाना के स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों को रोजगार पैदा करने के लिए कितना पैसा बैंक से दिलवाया? 0, 0। तो अगली सरकार का लक्ष्य रोजगार दिलवाने का है और यह लक्ष्य स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को मजबूत करने के बिना किया ही नहीं जा सकता है। अगर देश को रोजगार देना है तो लुधियाना जैसे शहर, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस वाले शहर देश को रोजगार दे सकते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं, अमरिंदर सिंह जी यहां बैठे हैं, हमारी सरकार दिल्ली में बनेगी, मैं आपको गारंटी देता हूं जितना भी दम हम स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को बड़ा बनाने में लगा सकते हैं, हम दम लगा के दिखा देंगे आपको। सिर्फ आपके लिए नहीं, आप ये मत सोचिए कि राहुल गांधी सिर्फ आपकी मदद करना चाहता है। देश के सामने कठिनाई है, रोजगार पैदा नहीं हो सकता है, हम जरूर आपकी मदद करना चाहते हैं, मगर आपके बिना हिंदुस्तान चाइना को चैलेंज नहीं कर सकता है। मेड इन लुधियाना के बिना मेड इन चाइना का चैलेंज हिंदुस्तान कभी कर ही नहीं सकता है। इस बात को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। तो हम सिर्फ आपके लिए नहीं कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान के करोड़ों युवाओं के लिए, हिंदुस्तान के किसानों के लिए, हिंदुस्तान के मजदूरों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपके बिना स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस रीढ़ की हड्डी है, आपके बिना यह देश रोजगार पैदा कर ही नहीं सकता है। सीधी सी बात, अब मैं किसानों की बात करता हूं। देखिए जहां भी हमारी सरकार बनी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, कर्नाटक, हमने शुरुआत में ही कहा कि हमारा पहला काम किसानों का कर्जा माफ करने का होगा।
यहां पे चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह जी बैठे हैं, इनका पहला काम किसानों का कर्जा माफ करने का था। क्योंकि जैसे मैंने बोला, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के बिना हिंदुस्तान खड़ा नहीं हो सकता है, वैसे ही किसानों के बिना हिंदुस्तान खड़ा नहीं हो सकता है। पहला काम कर्जा माफी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मैंने कहा 10 दिन लगेंगे, 12 दिन नहीं, 10 लगेंगे, और 2 दिन के अंदर हमने कर्जा माफ किया। वहां का चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान जी कहते हैं कि कांग्रेस ने किसी का कर्जा माफ नहीं किया। भाइयों और बहनों, कमलनाथ जी ने शिवराज चौहान जी के परिवार के लोगों का कर्जा तक माफ किया। हमने फॉर्म निकाल दी, शिवराज चौहान जी के भाई और उनके भांजे का कर्जा माफ कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में किया, और शिवराज चौहान अपने भाषण में कहने के भैया किसी का कर्जा माफ नहीं किया, शिवराज चौहान जी हमने आपके परिवार का कर्जा माफ किया है। मोदी जी कहते हैं पैसा कहां से आएगा, हमने दिखाया कहां से आएगा, अमरिंदर सिंह जी ने करा, अकाली दल की सरकार थी कहते पैसा नहीं है। आपके लिए पूरा का पूरा पैसा है, आप प्रदेश में जो भी करना चाहते हो आप करो, बसें चलानी है बस चलाओ, टीवी स्टेशन चलाना है टीवी स्टेशन चलाओ, जो भी करना है आपको उसके लिए पैसा है, मगर किसानों का कर्जा माफ करने के लिए पैसा नहीं। हमने दिखा दिया कि किसानों के कर्जे के लिए सरकार के पास पैसा है, हम आपके पास वापस आए, मैनिफेस्टो बन रहा था, मैंने कांग्रेस पार्टी की टीम से कहा देखिए मैनिफेस्टो जनता बनाएगी, कांग्रेस पार्टी नहीं बनाएगी, आप जाइए किसानों के पास जाइए, किसानों से पूछिए उनको क्या चाहिए, अलग अलग मीटिंग करवाई, हजारों किसानों से हम मिले। किसानों ने 2 बातें बोली, पहली बात बोली राहुल जी पहले 2 मैनिफेस्टो बनते, पहले 2 बजट बनते थे, एक रेलवे बजट होता था एक नेशनल बजट होता था, किसान भी प्लानिंग करना चाहते हैं, आजकल रेलवे बजट नहीं बनता है, आप ऐसे कीजिए आप किसान बजट लोकसभा में पेश करवाइए, बहुत बढ़िया, साल की शुरुआत में ही किसानों को पता लग जाएगा एमएसपी कितनी बढ़ेगी, कहां फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगेंगे, कहां फूड पार्क लगेंगे, कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा। हमने कहा बिल्कुल सही, आपने ऑर्डर दिया आप मालिक हो हम करेंगे। 2019 के चुनाव जीतने के एकदम बाद लोकसभा में आप देखना 2 बजट बनेंगे, एक किसान का बजट बनेगा, पहले बनेगा, उसमें हिंदुस्तान की सरकार बताएगी कि इतना पैसा हिंदुस्तान पंजाब के किसानों के लिए दे रही है, और उसके बाद में नेशनल बजट बनेगा। आपने दूसरी बात बोली, आपने कहा राहुल जी अनिल अंबानी ने कर्जा लिया वापस नहीं किया, 45,000 करोड़ रुपए कर्जा ले रखा है वापस नहीं देता, वो जेल में नहीं है, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया वो बाहर है, वो तो लंदन में घूम रहा है, नीरव मोदी मेहुल चौकसी सब बाहर है, इन्होंने पैसा लिया, मगर लुधियाना का कोई किसान 20,000 रुपए कर्जा लेता है वापस नहीं देता, उसको जेल में डाल देते हैं, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो सकता है कि ईमानदार किसान जेल में जाता है और अनिल अंबानी जैसा चोर बाहर। हमने कहा बिल्कुल सही बात, सुन लीजिए, मैनिफेस्टो में लिख दिया है 2019 के चुनाव के बाद लुधियाना का कोई भी किसान, पंजाब का, हिंदुस्तान का कोई भी किसान कर्जा ना लौटाने के लिए जेल में नहीं डाला जा सके। श्री अकाल, आपने ऑर्डर दिया हमने किया, युवाओं से पूछा भैया बताओ मोदी जी ने झूठ बोला, राहुल जी मोदी जी ने कहा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, कुछ नहीं हुआ, आप बताइए सच्चाई बताइए मैं बता देता हूं, पता लगाया 22 लाख सरकारी नौकरियां हैं खाली पड़ी हैं, 1 साल के अंदर 22 लाख नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे,
10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है, 10 लाख युवाओं को पंचायतों में हम रोजगार दे देंगे, मगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। न्याय योजना से आपके बिजनेसेस चालू हो जाएंगे, लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा, मगर स्टेट से मैं यह नहीं कहूंगा कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा साल में, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि 50 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे, नहीं, 22 लाख नौकरियां खाली हैं, 22 लाख नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे। युवाओं से हमने पूछा, भैया बताओ, लुधियाना के युवाओं से पूछा, बाकी प्रदेशों के युवाओं से पूछा, क्या कर सकते हैं हम आपके लिए। हर युवा अपना बिजनेस चालू करना चाहता है, छोटी फैक्ट्री लगाना चाहता है, मिडिल साइज बिजनेस चलाना चाहता है, मगर अगर आपको बिजनेस चालू करना हो तो पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती है। एक डिपार्टमेंट में जाओ, सरकारी डिपार्टमेंट में, भैया परमिशन दो, अच्छा फॉर्म भरो, दूसरे में जाओ परमिशन दो फॉर्म भरो, 10-15 डिपार्टमेंट में जाओ, 6-7-8 महीने लगते हैं, साल लग जाता है, पता लगता है फॉर्म भरने में पूरा का पूरा टाइम चला गया, पूरा का पूरा पैसा चला गया, पैसा बिजनेस चालू नहीं हुआ। मैनिफेस्टो में लिख दिया हमने, आपने कहा हमने लिख दिया। लुधियाना का कोई भी युवा अगर बिजनेस चालू करना चाहता है, आपको किसी सरकारी डिपार्टमेंट से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी 2019 के बाद, कोई परमिशन नहीं। बिजनेस चालू करना है, चालू करो, 3 साल बाद जब आपके पास आपके साथ 20, 30, 40, 50 युवा काम करें, आपका बिजनेस मजबूत हो, जेब में पैसा हो, 3 साल बाद आप जाके सरकार से परमिशन ले लेना, कहना कि भैया 3 साल पहले मैंने बिजनेस चालू किया था, मेरे साथ 30-40 लोग काम करते हैं, पैसा बन रहा है, अब मैं आसानी से आपको थोड़ा समय दे सकता हूं, मैं परमिशन ले लेता हूं। आपने हुक्म किया, हमने पालन किया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 सालों में क्या किया आपके लिए? रोजगार दिलवाया, 15 लाख रुपए दिलवाए, किसानों को सही दाम दिलवाया, पहले एमएसपी बढ़ती रहती थी, कांग्रेस पार्टी थी, हर साल एमएसपी बढ़ती थी, झूठ बोले, कहते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा, 56 इंच की छाती है। मोदी जी ये समझा दीजिए देश को, राफेल मामले में आपने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए क्यों दिए? फ्रांस का राष्ट्रपति क्यों कह रहा है कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे बताया कि अनिल अंबानी को राफेल का कॉन्ट्रैक्ट मिलना है, कि 1600 करोड़ रुपए में हवाई जहाज खरीदा जाएगा, 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज नहीं खरीदा जाएगा? फ्रांस का राष्ट्रपति क्यों कह रहा है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने बोला कि हवाई जहाज फ्रांस में बनेगा? लुधियाना में क्यों नहीं, पंजाब में क्यों नहीं, फ्रांस में क्यों? क्योंकि आपको अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए देने थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, प्रधानमंत्री से जाके पूछे, डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग कहते हैं प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट नेगोशिएशन किया फ्रांस के साथ, डसॉल्ट कंपनी के साथ। मैंने चौकीदार जी से कहा, चौकीदार जी आइए, भ्रष्टाचार के बारे में डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, कहीं भी बुला लीजिए मुझे, दिल्ली बुला लीजिए, रेसकोर्स रोड बुला लीजिए, पार्लियामेंट हाउस में बुला लीजिए, लुधियाना में बात करते हैं, प्रेस के सामने बात करते हैं, 15 मिनट मुझे दीजिए, 3 घंटे आप लीजिए, 3 घंटे आप बोलना भ्रष्टाचार, तो 15 मिनट मैं बोलूंगा। मैं गारंटी देता हूं कि 15 मिनट के बाद नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, डरते हैं। हर मीटिंग में कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी डिबेट करिए मुझसे, 56 इंच की छाती है, मगर डरे हुए हैं, भ्रष्टाचार के बारे में नहीं बोल सकते। आजकल इंटरव्यू में कागज पढ़ के बोलते हैं, क्वेश्चन मिलते हैं, हमारे प्रेस वाले मित्र उनको क्वेश्चन पेपर देते हैं, उस पर लिखा होता है, नरेंद्र मोदी जी रोजगार के बारे में मत बोल देना, नरेंद्र मोदी जी 15 लाख की बात मत करना, नरेंद्र मोदी जी आप बताइए, हिंदुस्तान लुधियाना की जनता को बताइए, आप आम कैसे खाते हैं? मैं आम पेड़ पे चढ़कर उतार के खाता हूं, कुत्ते को मैंने यहां से काट दिया, सूटकेस में जगह नहीं थी, मैं यहां से स्लीव को काट दिया मैंने, बहुत फकीर आदमी हूं मैं, जो भी दिल में आए कह देते, मेरे परिवार के बारे में बोलते हैं दिन भर। मोदी जी जो आपको बोलना बोलिए,
जो आप मेरे परिवार के बारे में बोलना चाहते हैं बोलिए, जो आप मुझे गाली देना चाहते हैं गाली दीजिए। मैं कांग्रेस का हूं, आपकी नफरत को मैं प्यार से लौटाऊंगा, आपको प्यार मिलेगा। पंजाब से सिखाऊं, मैं गुरु नानक देव जी से सिखाऊं, पंजाब का डीएनए है, लुधियाना का डीएनए, आप सब मिलकर काम करते हो, सब धर्म के लोग बैठे हैं, हिंदुस्तान आगे बढ़ा है तो आप लोगों ने किया है। उधर प्रधानमंत्री लाल किले पर जाते हैं, कहते हैं मेरे आने से पहले हाथी सो रहा था। अच्छा, आपके आने से पहले हाथी सो रहा था? लुधियाना के लोग कुछ नहीं कर रहे थे, यहां फैक्ट्रियां नहीं चल रही थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं थी, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट का काम यह लुधियाना नहीं कर रहा था, सिर्फ आपने किया। पता नहीं कौन सी दुनिया में प्रधानमंत्री, मगर पूरा का पूरा 23 मई को साफ हो जाएगा। हिंदुस्तान जवाब देने वाला है, नोटबंदी का, गब्बर सिंह टैक्स का, बेरोजगारी का, किसानों की हालत का जवाब मिलने वाला है। बस कुछ ही दिन बाकी है, नरेंद्र मोदी जी को पता लग जाएगा। मगर यहां आपके युवा प्रत्याशी हैं, इनको लोकसभा में आपको गारंटी करके भेजना है पक्का, क्योंकि इनके वहां पे जरूरत है। युवा हैं, आपके लिए काम करेंगे, दिल से काम करेंगे, तो इनको आप वहां भेजिए। और एक और बात, न्याय योजना का बटन दबाना है इनको, तो इनको भेजिए, भारी बहुमत से बिट्टू को जिताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।